नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ चुके हैं, शमशानों पर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लग रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़ों में गड़बड़ी करने का आरोप लग रहा है। NDTV के मुताबिक भोपाल के भदभदा शमशान घाट में सोमवार को कोरोना से मरने वाले 37 लोगों के शव आए थे। वहीं राज्य सरकार ने सोमवार को बताया कि पूरे राज्य में कोरोना वायरस के चलते 37 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों के मौत के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी मिली है। पश्चिम बंगाल में रैलियों में जुट रही भारी भीड़ और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें, सभी राजनीतिक दलों की रैलियों में हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, जहाँ कोरोना नियमों का खुलकर उल्लंघन किया जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान कहा कि बीजेपी ने राज्य में बाहरी लोगों को चुनाव प्रचार के लिए लाकर कोरोना फैलाने में भूमिका निभाई है। ममता ने कहा कि हमने कोरोना की स्थिति को संभाल लिया था, लेकिन बीजेपी ने इसको जटिल बना दिया है। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी रैली की। इस दौरान बंगाल के गोलपोखर में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास नफरत और हिंसा के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। वे बंगाल को बर्बाद करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और यही काम वो असम और तमिलनाडु में भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर बिगड़ते हालातों के बीच CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर बुधवार को एक वर्चुअल बैठक हुई। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और अहम अफसरों ने भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किया जाएगा और इस क्राइटेरिया को CBSE का बोर्ड तैयार करेगा। अगर कोई छात्र इस क्राइटेरिया के आधार पर दिए गए नंबरों से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षाओं के लायक हालात बनने पर परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 1 जून 2021 को हालात की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद अगर 12वीं की परीक्षा कराने वाले हालात बनते हैं तो परीक्षा शुरू करने से 15 दिन पहले छात्रों को नोटिस भेज दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को भी शिक्षा मंत्रालय के अफसरों ने CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किए जाने को लेकर चर्चा की थी। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले अदालत में लोगों को निजामुद्दीन मरकज में जाने की सशर्त इजाजत देने पर सहमति जताई थी, लेकिन मंगलवार को उसने यू टर्न ले लिया। केंद्र सरकार ने रुख से पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में लागू नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार के धार्मिक जमावड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाईकोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें मरकज के भीतर जाकर नमाज अदा करने पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की मांग की गई है। एक ओर जहां हरिद्वार के कुंभ में लाखों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रमजान के दौरान मस्जिद में एक साथ 50 लोगों के इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत जुमा मस्जिद ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने रमजान के पवित्र महीने के दौरान दक्षिण मुंबई में अपनी मस्जिद में एक समय में 50 लोगों के साथ एक दिन में 5 बार नमाज अदा करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन COVID-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच नागरिकों की सुरक्षा सबसे अधिक महत्व रखती है। बिहार में कोरोना से संक्रमित रिटायर सैनिक ने इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दौरे की तैयारी में व्यस्त थे। इस बीच विनोद पांडे ने वाहन में ही दम तोड़ दिया। NDTV के अनुसार परिजनों के बार बार आग्रह के बावजूद भी अधिकारियों ने विनोद को भर्ती नहीं किया। न्यूज एजेंसी NI ने मरीज के बेटे के हवाले से बताया कि मेरे पिता कोविड पॉजिटिव थे, अन्य अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, लेकिन NMCH तैयार हो गया। उन्हें अब अस्पताल के बाहर करीब 1.5 घंटे तक इंतजार कराया गया। पंजाब में कोरोना से हालत बदहाल है। यहाँ कुल कोरोना संक्रमण के मामलों में 70-80% UK वेरिएंट मिल रहा है। दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा गठित COVID-19 फोर्स के सदस्य डॉक्टर विशव मोहन का कहना है कि UK वेरिएंट युवाओं के लिए अधिक घातक साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को ये दूसरी बारी हो रहा है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। योगी ने लिखा, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णता पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। इसकी जानकारी अखिलेश ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफी तेजी से क्यों फैल रहे हैं, वैसे तो इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन इसका एक कारण डबल म्यूटेंट हो सकता है। जांच किए गए सैंपल्स में 61% मामलों में डबल म्यूटेंट के संक्रमण का मामला पाया गया है। डबल म्यूटेंट का सीधा मतलब यह है कि इसमें दो म्यूटेंट हैं। 24 मार्च को केंद्र सरकार ने कहा था कि देश में एक नए किस्म का कोरोना पाया गया है, डबल म्यूटेंट। इससे संक्रमित लोग देश के 18 राज्यों में पाए गए हैं। तब कहा गया था कि 15-20% सैंपल में डबल म्यूटेंट मिला था। दूसरी लहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में अजीब से लक्षण दिख रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की 2-3 बार में भी रिपोर्ट निगेटिव ही आती है। ऐसे में इस वायरस को पकड़ पाना मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही इस बार कोरोना वायरस का वेरिएंट काफी तेजी से संक्रमण फैलाने वाला है। आकाश हेल्थकेयर के MD डॉक्टर आकाश चौधरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उन्हें बीते दिनों में कई ऐसे मरीज देखने को मिले हैं जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी थी और उनके CT स्कैन से पता चला कि उनके फेफड़ों में हल्के रंग के पैच थे। वह कहते हैं ये कोरोना का एक अलग ही लक्षण है। पाकिस्तान ने आज कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा पिछले कुछ दिनों से तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हो रही झड़पों के बाद किया गया। इन झड़पों में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कम से कम 2 पुलिस वालों की मौत हुई है और 300 से अधिक पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। बता दें, तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के मुखिया मौलवी साद हुसैन रिजवी के गिरफ्तारी के बाद से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रिजवी ने फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग की थी और नहीं निकालने पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। विराट कोहली को पीछे छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम 865 अंकों के साथ ICC वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं, तो विराट कोहली 857 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा 825 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे समय जब भारत में कोरोना से रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है, इसकी छाया IPL पर भी पड़ने लगी है। ताजा घटनाक्रम में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्ते भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एनरिक नॉर्ते ने IPL के पिछले सीजन में दिल्ली के लिए शानदार खेल का प्रदर्शन किया था और 22 विकेट लेने में सफल रहे थे। उनके इस जबरदस्त प्रदर्शन के कारण दिल्ली IPL 2020 में फाइनल में पहुंची थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।